आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैयद ख्वाजा पाशा ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो 21 साल में शादी करने का कानून निकाला जा रहा है ये गलत है और ख्वाजा पाशा ने इसकी सख्त मजम्मत की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा हूं रंगा रेड्डी प्रेसिडेंट। मैं आज मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए आपको अहम बात बोलना चाह रहा हूँ। हमारे शेख शाह साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स के, उनकी जानिब से ये जो मरकजी हुकूमत ये ज़बरदस्ती जो बिल थोप रही है बच्चों की शादी के लिए 21 साल और लिविंग रिलेशनशिप में अगर रह सकते हैं तो 18 साल, तो ये हमारे माशरे को ख़राब किया जा रहा है और ये कानून दूसरों पे भी लागू होता है, तो ये एक इस्लाम में दखलंदाजी किया जा रहा है। इसके लिए मेरे भाई हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और ये काले कानून और ये बिल को पास होने नहीं देना चाहिए। यह उलमा रंदो, सियासी जमात वाले रंदो और हर कोई रंदो। और एक देखिए आप, यानी कि इस्लाम में निकेह को आसान करो जीने को मुश्किल करो बोल के है, मगर बीजेपी हुकूमत मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 18 साल की उम्र में आप जो चाहे कर सकते, यानी कि कोई कानून नहीं पूछेगा ना समाज पूछेगा, ये काला कानून लाए हैं। और मैं सारी आवाम से एक अपील करना चाह रहा हूँ कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो बिल पास नहीं हुआ, 18 साल की उम्र में आप लोग निकाह खाने पढ़ा सकते हैं, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग निकाह खाने कर लेके विदाया बाद में कर रहे ऐसा सुनने में आ रहा है, मगर ऐसा मत करिए, अभी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी वही कानून है 18 साल की उम्र में कर सकते हैं। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, माशाल्लाह एक बयान देख के खुशी हुई, जो नींद से जाग कर और अल्लाह ताला हिदायत दिया है जो इसकी मजम्मत करे, तो बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह कब किसको हिदायत देता है और कब क्या बोलते सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है। तो हम भी सलीम साहब को शुक्रिया अदा करते हैं जो इंशाल्लाह आप इसके लिए आवाज़ उठाए हैं और नींद से जागे हैं। माशाल्लाह सुन के खुशी हुई, क्योंकि वो ज़माने के बाद एक आपके मुँह से एक अच्छा बयान निकला, बहुत अच्छी बात है। और सारे आवाम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने और हमारे खाजियाँ हैं और जितने भी लोग हैं, कि अभी वही कानून है वही कानून रहेगा, आप लोग उस पर ही अमल करिए और इंशाल्लाह ये बिल पास नहीं होगा अगर हम सब एकजुट अगर हो गए तो। और लोग दूसरे मुद्दों पे इस पर आवाज़ उठाते मगर इसके लिए तो सब सो रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, तो हर किसी को सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और माशरे में इतने बुराइयाँ होने के बाद, यानी कि मोदी हुकूमत जो है RSS बजरंग दल के नक्शे कदम पर चढ़कर हमारे माशरे में हमारे इस्लाम में दखल अंदाजी किया जा रहा है, जबकि ये कानून जो है इस्लाम का ऐसा बड़ा कानून है ऊपर वाले तरफ से कि बच्ची जब बालिग होती है तो साल दो साल में शादी कर देना बोल के, मगर 18 साल बोले उसके बाद भी कबूल करे, ये कानून ऊपर से है और वो कानून को कोई नहीं मिटा सकता, कोई हुकूमत कोई भी ऐसा करेगा तो निष्ठो नाबूद चले जाएगा। तो हम चाय वाले को ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गलत है। और एक सलीम साहब एक बयान दिए, वही बारे में एक छोटी सी बात है कि मोदी साहब ऐसा मत करिए गुने में पड़ जाएंगे, अरे उन्होंने तो रोम रोम से गुने में, उनको क्या मालूम गुना, तो लिहाजा उन्हें गुनहगारी से, और आपको तो मालूम है ना बीवी है ना बच्चा है, उन्होंने सन्यासी है, तो उनको क्या मालूम औरत बेटियों का दर्द,
तो इंशाल्लाह सारे आवाम से अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, वही 18 साल में शादियाँ कर सकते हैं, करिए आप लोग, अभी बिल पास नहीं हुआ, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।